9 महीने की मासूम बच्ची से दरिंदगी करने वाले दोषी को कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए ऐसी सजा सुनाई है कि अब उसे अपना सारा जीवन सलाखों के पीछे बिताना पड़ेगा। मासूम से दुष्कर्म करने वाले हैवान को बुलंदशहर स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल 18 जुलाई 2021 को यूपी के जनपद बुलंदशहर के खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के गांव में 9 माह की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। दरिंदगी करने वाला कोई और नहीं बल्कि मासूम के पड़ोस में रहने वाला 19 वर्षीय युवक था। बुलंदशहर SSP संतोष कुमार सिंह की माने तो मामला संवेदनशील होने के कारण खुर्जा देहात थाने की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तत्काल आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। जबकि पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते महज 4 महीने 24 दिन में बुलंदशहर की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट की न्यायाधीश डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल ने आरोपी दरिंदे को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50,000 रुपये जुर्माने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट के इस फैसले के बाद अब ये कहना गलत नहीं होगा कि मासूम से दरिंदगी करने वाले इंसान की शक्ल में छुपे दरिंदे को अब अपना पूरा जीवन सलाखों के पीछे गुजारना पड़ेगा। 18 जुलाई को एक 9 माह की बच्ची के साथ खुर्जा देहात थाना क्षेत्र में एक 19 वर्षीय पड़ोसी युवक के द्वारा दुष्कर्म किया गया था। प्रकरण अत्यंत ही संवेदनशील और अमानवीय किस्म का था। हम लोगों ने इस पूरे प्रकरण को बहुत ही गंभीरता से लिया। थाना प्रभारी और मॉनिटरिंग सेल के सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में इसमें टीम बनाई गई। अभियुक्त को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया। मात्र 14 दिन में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। DNA रिपोर्ट निवाड़ी भेजी गई थी DNA के लिए और निवाड़ी भेजा गया था। 5 बार हमने DO लेटर लिखे, इंस्पेक्टर से यहाँ से भेजे अलग अलग बार, ताकि उसको प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र रिपोर्ट प्राप्त हो जाए। निवाड़ी से रिपोर्ट प्राप्त होने में थोड़ा सा समय हमें लगा। इस प्रकरण में कुल 10 गवाह थे। सभी गवाहों को ब्रीफ करके पुलिस की अभिरक्षा में समय से कोर्ट में प्रस्तुत कराया गया और उनके बयान दर्ज कराए गए। वादी को भी पूरा संरक्षण प्रदान किया गया कि चूँकि पड़ोस का मामला था, प्रतिपक्षी पड़ोस का था, तो कहीं उसके परिवार की ओर से या गांव वालों की ओर से दबाव में आकर के वो बयान से न मुकरे, इसलिए उसे पूरी तरह पुलिस का संरक्षण प्रदान किया गया ताकि वो निश्चिंत होकर के अपने बयान कर सके और बयान फिर कोर्ट में उनके कराए गए। तो इस तरह से बहुत ही अल्प समय में आजीवन कारावास और 50,000 रुपये की दुष्कर्मी को सजा आज सुनाई गई है और उससे हम सबको एक संतुष्टि है कि हमने जो प्रयास किया था उसका सार्थक परिणाम आया। Time24 न्यूज के लिए बुलंदशहर से हामिद सेफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।